कोई बड़ू फिर आप खड़ो जाओ महेंद्र नाम का, महेंद्र वैष्णव नाम का एक लड़का जो अपने घर से मार्च अप्रैल महीने से निकला हुआ था और यहाँ रेलवे कॉलोनी थाने हल्के के भदाना गांव में आके प्रॉपर्टी का व्यवसाय करना चालू कर दिया इसने। ये अपनी पत्नी शांतिबाई के यहाँ रह रहा था, वहाँ शांतिबाई का जो मंगल सूत्र इसने एक व्यक्ति रामप्रसाद नाम के व्यक्ति के गिरवे रखा था। गिरवे रखने के बाद जब रामप्रसाद शांतिबाई ने उस रामप्रसाद से गिरवे रखे मंगलसूत्र को मांगने पे ये धमकी दी कि अगर तुम ये मंगलसूत्र नहीं दोगे तो तुम्हें किसी न किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इस पर उस रामप्रसाद ने ये कहा कि तुम्हारे पति ने मेरे पास ये गिरवे रखा था और अगर वो मेरे पैसे दे दे तो मैं मंगलसूत्र दे दूंगा। इस बात पे जब इस पत्नी ने इसको महेंद्र को बताया कि तुम पैसे दे मेरा मंगलसूत्र लेके आ, इसी बात को लेके ये रामप्रसाद उस व्यक्ति को अपहरण करवा के अपने फार्म हाउस पे ले जाके इसको 18 मई 2018 को जला देता है। ये जलाने उसका जो स्वयं का फार्म हाउस होता है वहां पे धनिये की कड़प होती है, धनिये की कड़प में डालकर इसको जला देता है। इस बात की अंदेशा परिवार वालों को होने के बाद उन्होंने थाने पर आके मुकदमा दर्ज करवाया। उससे पहले घर वाले एक गुमशुदगी रेलवे कॉलोनी थाने पे ही दर्ज करवाई थी और वो यही अंदेशा था कि मेरा बच्चा विगत 3-4 महीने से संपर्क में नहीं आ रहा इसलिए कहीं कर गुम हो गया। परंतु जब इनको ये अंदेशा हुआ इस पे FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको गंभीरता से लेते हुए हमारे थाने से टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर मन SHO मैं थाने की टीम द्वारा शीघ्रातिशीघ्र तफ्तीश कर मुलजिम रामप्रसाद को अरेस्ट किया और उसकी शिनाख्त पे उसकी तस्दीक पे घटनास्थल निरीक्षण कर मौके से हड्डियां वगैरह बरामद की है। 70 वर्ष है और इसके ये थाना अटरू का HS है और इसके लगभग 31 मुकदमे आपराधिक प्रकरण 31 मुकदमे हैं इसके दर्ज। किस किस तरह के मुकदमे? इसमें हत्या, लूट और मारपीट वगैरह के मुकदमे हैं।